बच्चा गीत पढ़ा बहुत बढ़िया प्रयास कर रहा हूँ बहुत सुंदर मोहब्बत के दो बोल सुनने न पाए बफाओं के दो फूल बफाओं के दो फूल सुनने न पाए बफाओं के दो जो कि हमारे प्रभा देवी हैं और उनके पति हमारे श्री शंकर सिंह रंजन मास्टर साहब उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार ये भी लिखा है इसमें कि बेटियां कुल की शान होती है बस इस पे आया है ये 51 रुपए का पुरस्कार सुन रहे हैं मास्टर साहब उनकी तरफ से ये गाना है बेटियां कुल की शान पे आया बहुत बहुत धन्यवाद है लेकिन इस गीत को भी बड़े आप गौर से सुनिएगा वाकई में फिल्मी दुनिया ने कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी अगर मेरे गाने में वाकई में देर हो जाए तो आप लोग मान लें ये बात क्योंकि लिखा तो सभी ने है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी किसी ने लिख दिया कि केवट कह रहा है कि प्रभु आते आते बहुत देर कर दी किसी ने लिख दिया यूट्यूब में हम मिल जाएंगे आपको कई कीर्तन गा रहे हैं अयोध्या कह रही है कि प्रभु आते आते बहुत देर कर दी बहुत अच्छे किसी ने लिख दिया सब्जी कह रही है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी प्रभु आते आते बहुत देर कर दी लेकिन इधर देर नहीं हुई इधर प्रभु पहुंचे जरूर है लेकिन मेरे गाने में वाकई में देर हो गई तो बस ये मान लीजिए क्या बात हुजूर आते आते बहुत देर उसी का फायदा उठाया कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना रच दी अब चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई नहीं था अब मन्नी खड़ा हो गया बोले हम जाएंगे दादाजी क्योंकि मैंने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी है क्या बात नहीं माना अब मन्नी चला गया कौरवों के चाल में फंस करके मारा गया और उधर से जब अर्जुन कृष्ण आए युधिष्ठिर ने देखा कि कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं रोने लगे जब रोने लगे तो अर्जुन ने कहा कि भैया क्यों रो रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ अनहोनी घटना घट गई हो क्योंकि उनको भी ये बात आभास हो रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गया है आखिरकार उनके मुख से निकल ही गया कि ऐसा तो नहीं मेरा बेटा मनु मारा गया लेकिन अर्जुन रोते रोते कहने लगे कि
अब मन नहीं लगता है, मारा गया। इधर कहने लगे कि अरे अर्जुन, रोने लगे जोर से, कहने लगे अरे अर्जुन सुनिएगा, सुनिए। बचाते बहुत देर कर प्रयास किया चारों पांडवों ने कि हम किसी प्रकार घुस जाए, लेकिन घुस नहीं पाए उस चक्रव्यूह में। बहुत देर से तेरे आस लगी थी, बहुत देर से तेरी आस लगी थी, मगर आते चाहेंगे। दूसरी बात सुनिएगा, कहां पे देर हो गई, अर्जुन की दो पत्नियां यानी कि सुभद्रा और द्रौपदी के अलावा दो और पत्नियां थी, सुभद्रा और द्रौपदी के अलावा दो पत्नियां और थी, एक थी चित्रांगदा एक उलूपी। उलूपी से ज्यादा प्रेम करने की वजह से चित्रांगदा चिढ़ने लगी और उसने अपने पुत्र को ही भड़का दिया बब्रुवान को। बब्रुवान ने पूछा कि माँ मेरा पिता कौन है, तो चित्रांगदा ने कहा जिस दिन तुम अर्जुन को परास्त कर दोगे मैं बता दूंगी तुम्हारा पिता कौन है। समय ऐसा आया कि बब्रुवान और अर्जुन में ही जंग छिड़ गई और बब्रुवान ने अर्जुन की गर्दन काट दी, और जब अर्जुन की गर्दन काट दी तो चित्रांगदा रोते रोते आई और कहने लगी बेटा तूने ये क्या कर दिया। बोले यही तो तेरे पिता है। इतना सुना तो बब्रुवान कहने लगा कि एवा मगर आते
हो गई महाभारत की तीनों बातें बनेगी। क्या बात है? अब मुनि महाराज यहाँ बहुत देर हो गई, अर्जुन मारे गए बहुत देर हो गई, महाभारत के युद्ध में कर्ण भी मारा गया। होता क्या था कि रात में पांडव लोग शिविर में देखने के लिए जाते थे, कुरुक्षेत्र में जाते थे, तो देखा कि कर्ण के लाश के पास एक कोई औरत रो रही है। पांडव पहुंच गए, देखा तो कुंती रो रही है कर्ण की लाश के पास। युधिष्ठिर ने कहा कि माँ ये तो दुश्मन है, तुम इसके पास बैठ के क्यों रो रही हो? तो कुंती कहने लगी कि अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, ये कोई और नहीं तुम्हारा बड़ा भाई कर्ण है। जब इतना कहा कि तुम्हारा भाई कर्ण है तो युधिष्ठिर कहने लगे कि अरे माँ, सब जाने कर जानते हुए तुमने ये राज छुपाया और भाई के हाथों तुमने भाई मर गया। महापत्ते तो बोल सुनने न पाए, पाए
बाते बहुत देर करते बताते बहुत देर बताते बताओ देर करी बतावे बाबा तूने बहुत देर करी सीधे जाते हैं जवाब की ओर बता रहे हैं मगर आते आते बहुत देर कर दी न जाने कितनी बातें आपने रिखाई हैं आते आते बहुत देर कर दी बताते बताते बहुत देर कर दी सुनाते सुनाते बहुत देर कर दी सुने क्या बात है तीन दशा देखी जो मित्र की मोहन मन में डोले अपने मित्र सुदामा से वो ऐसी वाणी बोले बोले जब सुदामा द्वारकापुरी पहुंचे तो कन्हैया कहने लगे सुदामा सुदामा को देखा तो श्री कृष्ण बोले क्योंकि सुदामा तुमने यहां आते आते बहुत देर कर दी यहां आते आते बहुत देर कर दी यहां आते आते बहुत देर कर दी कमेटी के आदेश अनुसार अब आदेश मिल रहा है निराला जी प्रातःकालीन मेला है जैसे बोलिएगा एक भजन कर दो या आरती पारती कर दो बस वैसे दिखाने को तो है कि जिस समय कच्छ और ग्राही की लड़ाई हुई कहने लगा प्रभु आते आते बहुत देर बस गुरु बस गुरु बहुत कई बातें हैं बस गुरु प्रातःकालीन लोग भी कन्हैया से कह रहे भैया अगर थोड़ी देर और ना दे तो मुसीबत आ जाती भैया तुमने आते आते बहुत देर कर दी ये बात बहुत सच्चे दरबार की किशन आते आते बहुत देर कर दी धन्यवाद है और लीजिए गोविंद बोलो जैसे गोपाल बोलो गोविंद बोलो जैसे गोपाल बोलो अरे गोविंद बोलो जैसे गोपाल बोलो अपनी ओर से कार्यक्रम का विराम करना है और अब बाकी भैया आपके सामने आ रहे हैं भजन तुम गाओ भजन भजन गाते कौन चलिए आइए बाकी भैया आपके सामने आ रहे हैं अपने सक्षम कलाकारों के साथ अपनी ओर से मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया है हमारे बाकी भैया बाके बलराम एंड पार्टी जिन्हें कहते हैं बाके बिहारी दोनों
रहे हैं उनके गोरक्ष में उनकी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने इतना मकबूल समय दिया सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जय 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए बाकी नहीं है ठीक है ठीक है। भैया